नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी, खास शो जिसमें होती है आज की तैयारी और 20 दमदार स्टॉक रोज की तरह बताएंगे आपको जहां पर मुनाफा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके पोर्टफोलियो में कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। मैं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कुछ ज्यादा खराब है नहीं वैसे? आज संकेत ज़्यादा खराब भी नहीं है और कल की क्लोजिंग भी बिल्कुल वीकली एक्सपायरी को एडजस्ट करते हुए दिखी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम डे हाई पे थे, बाद में वीकली एडजस्टमेंट हुई बैंकिंग की, तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा कमज़ोर हुआ और मार्केट भी कमज़ोर हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10,700 के ऊपर हम अभी भी बने हुए हैं, 10,800 की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन 10,800 का रेजिस्टेंस है। आज के दिन यही समझना होगा कि 10,800 पार होता है या फिर आज का सेशन भी हम 10,700 के रेंज में निकाल देते हैं। एक बार पहले जरा ग्लोबल संकेत देख लेते हैं, उसके बाद 20 ऐसे शेयर्स आपके सामने रखने वाले हैं जिनके साथ खबरें हैं, रीजनिंग है, और ये 20 के 20 शेयर आपके आज के इंट्राडे पोर्टफोलियो को बेहतर कर देगा। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ये 31 अंकों की गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन ज़्यादातर एशियन मार्केट्स अगर आप देख रहे होंगे तो उनमें गिरावट नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर वापस थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए। हैंगसेंग यानी कि हांगकॉन्ग का बाजार ये करीब 1/4% ऊपर है और निकाई जापानीज मार्केट ये करीब 1% की मजबूती दिखाते हुए, चीन का बाजार शंघाई ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो भी बाजार खुले हैं उन सब के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव ही कामकाज हो रहा है। एक बार जरा यूएस मार्केट्स की या कल की क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि 1.5 दिन की छुट्टी के बाद कल यूएस मार्केट्स खुले थे, फ्यूचर्स इंडिकेशन लग ही रहा था कि बाजार बढ़कर ही बंद होगा और ठीक वैसे हुआ, बढ़कर खुला बढ़कर बंद हुआ और नैस्डैक करीब करीब 1% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ है। इस बीच अगर आप और मार्केट्स देख रहे हैं जिसमें एशियन मार्केट्स हैं, तो वहां माफी यूरोपियन बाजार, वहां पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही कामकाज था। ये डॉ फ्यूचर इस समय की स्थिति, यहां पे अभी कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, सिर्फ 10 से 12 अंकों का तक का नुकसान डॉ फ्यूचर और नैस्डैक के फ्यूचर्स पर देखने को मिल रहा है। तो सेटअप ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ऐसा कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर तो नहीं है। हाँ, आपको अपने डोमेस्टिक कारणों से ही आप थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलेगा, और आज शुक्रवार का दिन है, वीकली बेसिस पर एडजस्टमेंट होगी, ये वीकली एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सीरीज की नई शुरुआत है, अब अगला हफ्ता अर्निंग से भरा हुआ होगा, टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स हैं, तो ठीक उससे पहले बाजार अपने आप को एक रेंज में प्लेस करने की तो कोशिश करेगा। शायद इंडेक्स में कोई बहुत बड़े मूव ना मिले लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मिलेंगे, इसलिए स्टॉक्स के साथ चर्चा को शुरू कर रहे हैं और रजत आपको बता रहे हैं पहले शेयर्स। चलिए, इनफैक्ट कुछ कॉस्ट जो कल हिट होती हुई नजर आई, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आज के स्टॉक्स देखेंगे। दमदार एक्शन जिन स्टॉक्स पर देखने को मिला, कल पहले बता दिया गया था शो में कि स्टॉक में तेजी बनाए अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल थी, निचले स्तरों से खरीदारी बनती हुई नजर आई। साथ ही साथ येस बैंक तो स्टार परफॉर्मर था, 350 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ, टारगेट्स को ओवरशूट कर गया येस बैंक, कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था निफ्टी में, और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन आज जो शुरुआत करूंगा मैं वो करूंगा गेल के साथ, इनफैक्ट गेल और गुजरात गैस दोनों ही कहीं ना कहीं फोकस में रह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक खबर यहां पर सुबह सुबह निकल के आई है कि गेल जो है उसमें वडोदरा गैस में जो गेल का हिस्सा है लगभग 50% का, वो गुजरात गैस खरीद सकती है, और ये जो पूरा सौदा हो सकता है ये 200 से 250 करोड़ रुपए में हो सकता है, तो एक अच्छी खबर है। मैं फिर से बता दूं कि वीजीएल में 50% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी है गुजरात गैस की, जो कि गेल होल्ड करती है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी बढ़त देख चुके हैं, वीकली क्लोजिंग बेहतर होने के चांसेस हैं गेल में, आप इसको अपने रडार पर रखें 354 के टारगेट के लिए, और 345 आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के सत्र में लगाकर चलें आप गेल पे, तेजी बन सकती है। और दूसरा, आज लिकर स्टॉक्स पे तो नजर रखनी ही होगी, क्योंकि आमतौर पर यही एक ट्रेंड है कि जीएम ब्रूरीज के नतीजों के बाद लिकर स्टॉक्स में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। पाइनर डिस्टिलरीज खरीद सकते हैं आप 268 के टारगेट के लिए, 250 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। नतीजों में सालाना आधार पर 117% का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया, 10% आय बढ़ती हुई नजर आई, एबिटा और ईपीएस दोनों की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। तिमाही दर तिमाही आधार पर थोड़ा ड्रॉप जरूर है, लेकिन सालाना आधार पर जो हम देखते हैं रिजल्ट्स शानदार हैं, और हो सकता है कि आज पाइनर डिस्टिलरीज और रेस्ट ऑफ द लिकर स्टॉक्स पे जीएम ब्रूरीज के बेहतर नतीजों का असर देखने को मिले। हमने आपके सामने कहा भी था कि जीएम ब्रूरीज का मुनाफा दोगुना आएगा और 117% का ही ग्रोथ आई है मुनाफे के अंदर, और ये सीधा 22 करोड़ है, यानी कि जो प्रॉफिट था वो डबल हो गया, और ये बात हमने आपको कई दिन पहले ही बता दी थी कि इसके प्रॉफिट इस तरह के आएंगे। खैर, आप जीएम ब्रूरीज पर ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से भी एक लिकर का शेयर होगा, लेकिन उससे पहले मैं दो शेयर आपको जरा आज केमिकल और फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनी है वो आपको बता दूं। दक्षिण भारत में कल जब फैसला हुआ कर्नाटक के बजट के साथ कि 34,000 करोड़ रुपया किसानों की कर्ज माफी होगी, और किसानों को लेकर केंद्र सरकार भी काफ़ी एक्टिव है, आपको पता ही एमएसपी भी बढ़ाया गया है, तो दोनों ही बड़ी खबर का इम्पैक्ट एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। स्पिक को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाजार बंद होने के बाद फिच ने इसकी रेटिंग में भी सुधार किया है,
तो एक तो ये खबर थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि IOC के साथ इनका एक गैस को लेकर एक करार हुआ है, ये पिछले महीने गैस को लेकर एक करार हुआ है, इससे इनकी अफोर्डेबिलिटी यानी कि इनका जो कामकाज है वो काफ़ी कॉस्टिंग उसकी कम हुई है, और इस बार के जो नंबर्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से किसानों को कर्ज माफी होगी 34,000 करोड़ की, सीधा सीधा पैसा फर्टिलाइजर पर खर्च होगा, देश की सदर्न इंडिया की बड़ी कंपनी में से एक है। तो एक बार स्पिक पर ध्यान रखिएगा, कल एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी बना था, 30 पे आसपास बंद हुआ है। कल हमने कुणाल सारोगी से इसके बारे में जाना भी था, उन्होंने कहा कि ये शेयर अच्छा चलेगा 31-32 की रेंज को पार कर जाए। आप एक काम कीजिए, पहले आज 33 का टारगेट रखिए, 28 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर ये शेयर चला तो एक बार इसके बारे में वापस भी चर्चा की जा सकती है। स्पिक इस पे ध्यान रखें, फिच की रेटिंग का और IOC के खिलाफ जो गैस का करार है इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, 28 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। दूसरा शेयर होगा मैंगलोर केमिकल, कर्नाटक को जो किसानों को जो कर्ज माफी दी गई है उसका फायदा इस केमिकल वाली कंपनीज को भी मिलेगा। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो आज से 1.5-2 साल पहले का है, लेकिन अब वो इस साल और फिर से गर्म हो रहा है, वो है विजय माल्या की हिस्सेदारी। अभी भी करीब 22% का स्टेक विजय माल्या का मैंगलोर केमिकल में है, जो कि सीज है, यानी कि जो सरकार ने सीज कर लिया, अभी कोई ना कोई तो खरीदेगा। ज्वारी ऑलरेडी इसके अंदर है, कंपनी के साथ वेंचर है, और ज्वारी चाहता है कि वो रिमेनिंग पार्ट भी इसके पास आ जाए ताकि प्योर इसकी ही कंपनी बन जाए। तो अब क्योंकि गतिविधियां वापस से तेज हुई हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है, तो हो सकता है विजय माल्या की प्रॉपर्टी को ज्वारी ग्रुप खरीद ले, इसलिए ये एक शेयर वैसे भी कर्ज के मोमेंटम से भी और दूसरा इस खबर के बेसिस पर भी अच्छा चल सकता है। 64 रुपए का एक टारगेट रखेगा, कल भी 1.5-2% बंद हुआ है, 57 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे भी किसानों से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज हैं, आप कम से कम उसमें जरूर ज्यादा ही फोकस कीजिए। स्पिक और मैंगलोर केमिकल, ये दो हमारी तरफ से पहले शेयर हैं। इन्फो एज कल तगड़ी रफ्तार लगा रहा था ये स्टॉक, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा, क्योंकि पहले एक्सचेंजेस में खबर ये आई थी कि ये पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी में हिस्सा खरीदना चाहती है, उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन आई है कि 3.5% हिस्सा खरीदेगी कंपनी कुल मिलाकर 95.3 करोड़ में। लेकिन ये जो हिस्सेदारी के लिए निवेश किया जा रहा है ये टेमाक्सेक के साथ मिलकर किया जा रहा है, इनकी सब्सिडी कंपनी जो है मेक सेंस उसके जरिए निवेश होगा। टेमासेक और मेक सेंस दोनों मिलकर लगभग 190 करोड़ का निवेश जो है पॉलिसी बाजार में करेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा सेटअप इन्फो एज पे है। आज इस खबर का भी असर देखने को मिल सकता है, 1252 से 1255 की रेंज के लिए खरीदें और 1222 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा इन्फो एज पे। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, ये तो डेरिवेटिव का फेवरेट शेयर है ही इस समय ट्रेडर्स का, निष्कर्षों से खरीदारी के पूरे चांसेस हैं। मेडिक्स इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज ये कंपनी जिसमें इन्होंने 50% हिस्सेदारी खरीदी है 91 करोड़ में, एक अच्छी खबर है। अपोलो हॉस्पिटल्स की जो कंपनी है इसकी जो कुल बेड संख्या है 300 बेड्स बताई जा रही है, तो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बनी ही है, लेकिन आज इंट्राडे के लिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो 1070 का टारगेट रखें और 1040 अपोलो हॉस्पिटल्स पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल पेंट वाली कंपनी अच्छी चल रही थी, बर्जर पेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं मोमेंटम था, आज उसमें खबर भी आ गई है, वो है रॉक पेंट के साथ इन्होंने एक करार किया है, शेयरधारकों के अप्रूवल उसके पास आ चुकी है। अब ये रॉक पेंट के साथ करार मिलकर इनका एक नई कंपनी बनेगी जिसको बर्जर रॉक पेंट्स के नाम से कहेंगे। इसका कुल मिला के भारत, नेपाल और बांग्लादेश तीन देश ऐसे हैं जहाँ पे नई कंपनी वेंचर यानी कि काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा होगा रॉक पेंट्स के साथ में और बर्जर पेंट के साथ में, तो एक बड़ा एक हिस्सेदारी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और बर्जर पेंट वैसे भी ब्रेकआउट की तदार पर खड़ा हुआ है, ये खबर इसको और तेज कर सकती है। आज का टारगेट अब कम से कम 300 मान के चले। और एक और चीज है, कच्चे तेल के दाम अगर नहीं बढ़ते, ट्रंप के जो ट्वीट के लगातार बयान आ रहे हैं उससे दबाव बनता है, तो एक और बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इस बार इसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो बर्जर पेंट 300 रुपए का टारगेट, 288 का एक स्टॉप लॉस रखे, आज इसमें भी खरीदारी आप कर सकते हैं। एक और शेयर है जो कि कृषि से ही जुड़ा हुआ है, वह ग्रीव्स कॉटन। हमने एक बार इसको आपको पहले भी बताया था कि जब इसके अंदर एक टर्न अराउंड हो रहा था CNG इंजन्स को लेकर, वो तो खैर है ही खबर, क्योंकि सरकार की योजना है कि करीब 50 बड़े शहरों को इनका जो फ्यूल है वो CNG बेस्ड या गैस बेस्ड कर दिया जाए। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं बल्कि पूरे भारत में 50 ऐसे शहरों को चिन्हित कर रही है सरकार, और जल्दी इसकी एक अनाउंसमेंट भी हो सकती है। इसका फायदा ग्रीव्स कॉटन को मिलेगा क्योंकि ये CNG बनाने के इंजन में भी है और अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के भी कामकाज में आ चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसानों को जो कर्ज माफी है, MSP का बढ़ना भी इसके हक में आता है क्योंकि एग्री इक्विपमेंट भी बनाती है और मेजोरिटी स्टेक इसका एग्री इक्विपमेंट का भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास एग्री इक्विपमेंट्स के, तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा, एक तो किसानों का और दूसरा सरकार की इस नीति का कि 50 बड़े शहरों को गैस बेस कर दिया जाए इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसमें 146 रुपए का एक टारगेट रख के, 136 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो शेयर और हुए हमारी तरफ से, एक बर्जर पेंट और साथ ही ग्रीव्स कॉटन। चलिए, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई कराएंगे, आज के EPS शेयर्स देखिए। अच्छा, वो ये बताया कि आज मैचेस किस किस के हैं?
आज तो जबरदस्त मैचेस हैं। उरुग्वे फ्रांस का मैच है और साथ साथ ब्राजील और बेल्जियम का क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगे। ब्राजील तो आपकी फेवरेट ही है। ये तो मेरी फेवरेट है। मैं लकी शर्ट पहन रखी है, अगर हो जाए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन ब्राजील और बेल्जियम के बीच में ट्रेड ऑफ करना बहुत मुश्किल है। जीतेगा कौन? आप किस पे बेट लगाएंगे पहले बता दीजिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो ब्राजील ही है, बेल्जियम। लेकिन बदलाव भी कर सकते हैं। अब तक की हिस्ट्री देख रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो ऐसा लगता है कि बेल्जियम पे पैसे लगाना चाहिए। उरुग्वे और फ्रांस का मैच भी बड़ा शानदार होगा आज, तो जबरदस्त उरुग्वे की तरफ से आज तो शानदार मैचेस होने वाले। हाँ, लेकिन जो ईपीएस शेयर जो हम बात कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कुछ जबरदस्त शेयर होना चाहिए। उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है आज का शेयर। देखिए यहाँ पर दो खबरें हैं जो रूल करेंगे आज शिपिंग इंडेक्स को और स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। पहला तो बाल्टिक ब्रा इंडेक्स जो है वो कल के सत्र में 6% उछल गया, जोरदार उछाल देखने को मिला था। और जब भी ऐसा होता है तो शिपिंग शेयर कहीं ना कहीं रडार पर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से खरीदारी की पूरी उम्मीद है। और दूसरा कि सरकार जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 500 करोड़ रुपए देने जा रही है, चाहती है कि विदेश से जहाज खरीदे जाएं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदे विदेश से जहाज और डोमेस्टिक मार्केट में वो लीज करे, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। तो ये दो बड़े खबरें हैं, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का बढ़ना और दूसरा शिपिंग कॉर्पोरेशन में 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार देना चाहती है। 65 से 66 का पहला टारगेट होगा एससीआई में आज और 58.5 का एक स्टॉप लॉस, जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारी तरफ से जो आज का शेयर है वो है BPCL। कल भी शुरुआती आप ये ट्रेड में चला था, हमने भी आपको कहा था कि सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, स्ट्रक्चरल बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन पिछले दो दिन से ट्रंप के जो ट्वीट्स आ रहे हैं या उनका जो प्रेशर बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ये साफ दिख रहा है कि कच्चे तेल के दाम वो बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। या तो वो ये ईरान वाले फैसले को टाल सकते हैं जो कि पॉजिटिव है, कच्चा तेल नीचे आ सकता है, या तो सऊदी अरब को जो प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं या ओपेक देशों पर दबाव बना रहे हैं कि आप दाम नहीं बढ़ाएं, ये दबाव काम आ सकता है। दोनों ही कंडीशन में कच्चे तेल के दामों में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, यानी कि बढ़ेंगे नहीं, ऐसा सेंटिमेंटली देखने को लग रहा है इनके इन बयानों से। इसलिए आप फिर से आज एक ट्रेडिंग वाला ही अपॉर्चुनिटी को अपनाइएगा, 378 का एक टारगेट रखिए। कल भी देखिए 1.25% तेज था और एक बार तो 1.5-2% पहुंच गया था। आज फिर से एक अपना मूव मिल जाएगा, 368 यानी कि 368 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए, 378 रुपये का एक टारगेट। एक छोटा ही ट्रेड है, फर्स्ट हाफ में आपको हो जाएगा आपका काम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का। तो एक बार BPCL पे ध्यान रखिए, ट्रंप के ट्वीट बहुत काम आ सकते हैं कम से कम आपके लिए आज के इंटरनेट ट्रेड के लिए। तो जल्दी से 5 के 5 शेयर जो हमने आपको फर्स्ट सेगमेंट में दिए हैं नोटिस कीजिए। स्पिक फिच ने इसकी रेटिंग को बढ़ाया, साथ ही IOC के साथ इनका एक करार हुआ है गैस को लेकर, जिनका इनका कॉस्टिंग प्रेशर कम होगा। और साथ ही साउथर्न इंडिया में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किया गया है, सीधा फर्टिलाइजर में खर्च होगा। एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट 33 रुपए का फायदा टारगेट रखे। बेंगलोर केमिकल ज्वारी ग्रुप इनमें हिस्सेदारी खरीद सकता है, चर्चा पुरानी है लेकिन वापस गर्म हुई है बाजार के अंदर। ये 20% ज्यादा की हिस्सेदारी होगी और किसानों को कर्ज माफी और MSP दोनों ही बेनिफिशियरी इनके हक में भी जाएंगे, 64 रुपए का टारगेट। बर्जर पेंट ने रॉक पेंट के साथ करार किया है, नेपाल बांग्लादेश भारत में कारोबार का विस्तार करेंगे, 300 रुपए का टारगेट। ग्रीव्स कॉटन को 150 बड़े शहरों को जो गैस बेस्ड कन्वर्ट करने की सरकार की योजना बन रही है उसका बेनिफिट, और दूसरा इसके अंदर जो कर्ज माफी और MSP का दाम है दोनों इसके हक में जा रहे हैं, इनका एग्री प्रोडक्ट तेज हो सकता है। BPCL के अंदर भी आज ध्यान रखें, ट्रंप के ट्वीट आपको फिर से कच्चे तेल पे दबाव बनाएंगे, ये शेयर चल जाएगा, 378 का टारगेट है। शुरुआत मैंने की है गेल के साथ, क्योंकि खबर यहां पर ये है कि गुजरात गैस जो है वो वडोदरा गैस लिमिटेड में 50% हिस्सा खरीदना चाहती है, गेल का जो ऑलरेडी गेल उसमें 50% हिस्सेदारी होल्ड करता है उसको खरीदना चाहती है। लेकिन ये जो डील है ये 200 से 250 करोड़ में हो सकती है, तो गेल के हाथ रकम लग सकती है। आज के लिए खरीदारी करें आप, 354 का लक्ष्य है और 345 का एक स्टॉप लॉस गेल पे। लिकर स्टॉक्स स्पेशली पायनियर डिस्ट्रीज को रेडार पर रखें, क्योंकि GM ब्रूरीज के नतीजे सालाना आधार पर बेहतर हैं, 117% मुनाफा बढ़ा है, उसका असर आज लिकर स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स एक्टिव हो सकते हैं, पायनियर डिस्ट्रीज और रेस्ट ऑफ द लिकर स्टॉक्स। इसके अलावा इन्फो एज यहां पर खरीदारी की जा सकती है, न्यूज फ्लो के आधार पर 1252 का टारगेट, 1222 का स्टॉप लॉस। और साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल जिन्होंने कंपनी खरीदी है, मेडिक्स इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज, आज तेज हो सकता है ये स्टॉक, 1070 के लक्ष्य के लिए अपने रेडार पर रखें। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज का ईपीएस शेयर है, बाल्टिक इंडेक्स 6% उछला है और साथ साथ सरकार चाहती है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विदेश से जहाज खरीदे और डोमेस्टिक मार्केट में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घरेलू मार्केट में जहाज जो है वो लीज करे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 500 करोड़ रुपए सरकार देना चाहती है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। आज के लिए 65 से 66 का टारगेट SCI पे। 10 शेयर तो पूरे हुए, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट से संकेत बिल्कुल एक रेंज के ही है। आज शुक्रवार का दिन है, इंडेक्स में शायद मैनेजमेंट रहे क्योंकि अगले हफ्ते कुछ बड़े नंबर्स भी आने हैं और समय को सरकारी या नीतियों को लेकर भी बयान लगातार आ रहे हैं, तो इसलिए आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, उसी के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। 20 शेयरों की सूची दे रहे हैं,
10 हो चुके हैं पूरे और कुछ एक और शेयर रहता है। अगला है फिनिक्स मिल्स। इनफैक्ट ये तो बार बार सुर्खियों में रहता ही लेकिन अभी तक इसने चाल पकड़ी नहीं है, लेकिन अब फिर से खबर ये आ गई है कि पुणे में इन्होंने जमीन खरीदी है लगभग 1.36 करोड़ रुपए में। तो कहीं ना कहीं वहां पर विकास करेगी कंपनी और लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक महीने में इस कंपनी में जबरदस्त तरीके से ऑर्डर इनफ्लोज आए हैं एक्सचेंजेस पे और खास तौर से डेवलपमेंट लैंड डेवलपमेंट को लेकर नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कंपनी एग्रेसिव है, उसी के ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर क्लैरिफिकेशन बार बार दे रही है ये कंपनी। हो सकता है कि आज के सत्र में फिर से एक्टिव हो जाए लेकिन टारगेट्स यहाँ पर 650 से 652 तक का ही रखेगा और 632 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। शिपिंग स्टॉक्स जैसे मैंने कहा कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 6% का इजाफा देखने को मिला कल एक ही सेशन में, उसका असर आज मार्केटर जी शिपिंग जैसे स्टॉक्स पर भी पड़ सकता है। शिपिंग शेयरों में हो सकता है कि आज खरीदारी ही देखने को मिले लेकिन मार्केटर पे सर्किट डिमांड थोड़ी कम है तो उस लिहाज से ट्रेड करना होगा आपको। मैं समझता हूँ कि 23 तक के लेवल्स तो हासिल कर लेगा, यहाँ पर 20.9 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। ठीक है, एक और शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है ITC। कल आपको ध्यान होगा ITC को लेकर हमने कल जुगलबंदी वाला एक सेगमेंट भी आपके सामने रखा। आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई है, वो ये कह रही है कि 340 तक का टारगेट ITC के अंदर मिल जाएगा। बड़ा प्ले है, FMCG के ज़्यादातर शेयर चल रहे हैं उसमें अगर लीडर चले तो क्या कहना। कल भी 3% ऑलमोस्ट हाई पे बंद हुआ तो एक दिन में फिजल आउट होने वाली बढ़त नहीं दिखती है, वॉल्यूम के साथ है और एक चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आज फिर से ITC के अंदर एक बार आप दावा लगा सकते हैं। 280 रुपये का टारगेट एक बार रखिए आप और 270 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। वैसे इसके टबैको कारोबार को अगर आप देखें तो इसके अंदर वैसे भी MSP का कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो टबैको किसान हैं वो तो किसान माने ही नहीं जाते, वो तो एक अलग कैटेगरी के किसान माने जाते हैं, उन पर MSP बढ़ोतरी नहीं हुई तो इनका कॉस्ट वैसे नहीं बढ़ा। दूसरा इनका रेगुलेशन है अब GST के लागू होने के बाद। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो नए नए प्रोडक्ट और अपने नॉन सिगरेट कारोबार को तेजी से बढ़ा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का मानसून का ट्रिगर भी जल्दी आना इसके लिए फायदे का सौदा होगा। 280 ये सारी रिपोर्ट्स के अंदर भी मेंशन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक दूसरा शेयर है CG पावर। आपको ध्यान होगा लास्ट के सेशन में ये शेयर ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद होने में कामयाब हुआ और 58 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रेंज में जाके बंद हुआ है। ये इसका मेक ब्रेक वाला लेवल है, आप इसमें एक अहम मूविंग एवरेज को इसने पार होकर क्लोजिंग दी है। तो आज चांसेस हैं कि अगर शुरुआती झटके में ये नहीं टूटा आप इससे 1 से 1.5 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखेगा। अगर ये झटके में नहीं टूटा तो एक बार ये पुल बैक दिखाएगा और ये पुल बैक पहला 60 और दूसरा 64 होगा तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो टारगेट है वो 64 रुपये का है, 57 रुपये का स्टॉप लॉस। इसके बाद इसका जो पुल बैक का मोमेंटम है थोड़ा कमजोर हो जाएगा, इसलिए CG पावर बिल्कुल लास्ट का मोमेंटम और एक मूविंग एवरेज के बेसिस पर चुनाव किया गया शेयर है। ITC और CG पावर इन दोनों पर ध्यान रखें। चलिए अगला शेयर मेरी ओर से होगा दालमिया भारत। देखिए डेरिवेटिव मार्केट पे एक्टिव था कल के सत्र में लेकिन सीरीज के स्टार्ट में जो मंदी के सौदे बने थे वो कटे। कल ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला था। शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं ऐसे, जब ओपन इंटरेस्ट घटता है प्राइस बढ़ता है, उस लिहाज से शेयर आज भी चल सकता है। अगर थोड़े बहुत और सौदे कटे तो 23.60 तक पहुंच जाएगा, 23.30 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और वैसे भी सीमेंट सबसे पसंदीदा सेक्टर था कल मार्केट का, जिसमें दालमिया भारत, हेडलबर्ग, प्रिज्म जैसे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव थे, अल्ट्राटेक तो लीड कर ही रहा था। तो इस स्पेस पे जरूर नजर रखें, वीकली क्लोजिंग है, थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद है, दालमिया भारत पर बेट लगा सकते हैं। और दूसरा है M&M। यहाँ पर स्टॉक तो तेज था ही, कल ऑटो पैक में ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा था कल के सत्र में, लगभग 1.25% की तेजी थी। लेकिन अब खबर ये आ गई है कि प्यूजेट मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल जो है फ्रांस की कंपनी जिसमें लगभग 15% स्टेक ये होल्ड करते हैं, उसको रीलॉन्च करना चाहती है ये कंपनी। ये ब्लूमबर्ग पे आया है डेटा, अभी तक एक्सचेंजेस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन 935 से 940 ये एक रेंज होगी M&M की जो आप टारगेट के तौर पर रख सकते हैं और 905 एक स्टॉप लॉस M&M पे आज के लिए लगाकर चले। इसके अलावा जो हमारे लिस्ट में शेयर है वो है रेडिको खैतान। GM ब्रिविज के नंबर का प्रॉफिटेबिलिटी तो डबल आई है। GM ब्रिविज हो सकता है आप एक रेंज में या मोमेंटम दिखाए लेकिन इससे दूसरी कंपनीज का मनोबल या हौसला ये कह सकते हैं काफ़ी तेज से बुलंद हुआ है। और उसमें एक दो कंपनीज ऐसी हैं जो ASM में भी चली गई थी लेकिन 20 तारीख को कुछ एक कंपनी ASM से बाहर भी आएंगी, जो सर्वेलेंस एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म था। रेडिको खैतान पे आप ध्यान रखें, एक अच्छा मूव दिखा सकता है वापस से। कल से 4% टूटा है, आज करीब 4% का ही इजाफा वापस देखने को मिल सकता है। ये 400 रुपये का आज फिर से टारगेट रख के खरीदारी कीजिए। कल जो कर्नाटक वाली खबर आई थी वो शायद फिजल आउट भी हो जाएगी। GM ब्रिज का नंबर का सपोर्ट भी है और इनकी एक और पीयर ग्रुप जो है वो ASM से बाहर जा रही है तो इसका फायदा यहाँ पे मिल सकता है। 400 रुपये का टारगेट होगा और 385 का एक स्टॉप लॉस है। एक और शेयर है वो है सिप्ला, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। असल में माफ कीजिए, म्यूचुअल फंड्स के साथ एक आज कंपनी की एक बैठक होने वाली है, ये L&T म्यूचुअल फंड्स के साथ एक बैठक है और इसमें शेयर करीब 30% की जो कैश डिलीवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिप्ला में 640 का टारगेट होगा, 618 का स्टॉप लॉस।
चलिए तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, लेकिन दो ऐसे दमदार स्टॉक्स जहां पर आज इंट्राडे में ही कमाई का चांस ज्यादा है, आज के सुपरहिट शेयर्स देखिए आप। पहले आप बताएंगे कि पहले मैं बताऊं? मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पूछूंगा। बताइए पहले। देखिए, एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है लॉ कमीशन की। इसमें वो बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स गैम्बलिंग को लीगल कर देना चाहिए इंडिया में। ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर ऐसा हो जाता है, लीगल करने का मतलब ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग वॉन्ड्रिंग नहीं, वो कैशलेस कर दीजिए स्पोर्ट्स बेटिंग को, और साथ साथ यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी है उसको टैक्स लगा दीजिए। लेकिन इससे FDI जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर आप FDI। हाँ, क्योंकि होता है, इनफैक्ट आप यूरोपीय देशों में देखो तो वहां पर लीगल है कई देशों में, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इंडिया में अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया में भी टैक्स बढ़ जाए, सरकार के पास आए जो वो आ जाए। लेकिन इसको लीगल कर दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से जोड़ दीजिए हर खाते को, कैशलेस कर दीजिए, तब जाके हो सकता है बहुत सक्सेसफुल रेवेन्यू मॉडल बनता होना जरा। स्पेशली क्रिकेट के लिए उन्होंने बोला कि उसको लीगल कर दिया जाए, कि बहुत एक स्पोर्ट है जिसको पूछते हैं इंडिया में, तो उस लिहाज से ये खबर आज ड्राइव कर सकते हैं। स्टॉक को आप स्टॉक बताइए। डीबी कॉर्प नहीं, डेल्टा कॉर्प में हो सकता है कि आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आए, जोरदार एक्शन आज हो सकता है कि इस जूस लो के दम पे स्टॉक में रहे। लॉ कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स गैम्बलिंग को इंडिया में लीगल कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है, देखिए अभी तो कानून बनना बाकी है, बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसेस होगा अगर सरकार मान जाती है इसके लिए तो, वैसे भी विवाद ज्यादा होगा इस खबर को लेकर। लेकिन डेल्टा कॉर्प आज इसके चलते एक सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, 237 पहला टारगेट होगा, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए, मजबूत स्ट्रक्चर है, सबसे अच्छी खरीदारी आ चुकी है, 227 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर 237 का पहला टारगेट। कल मीडिया शेयर थोड़े एक्टिव थे, लेकिन उसमें आप हमारी ग्रुप कंपनी डिस्क्लोजर के साथ मैं आपको बता दूं, वो है जी एंटरटेनमेंट। ये और डिस्क्लोजर इसलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट के पेरेंट्स सेम ही हैं, लेकिन हमने जो कल नोटिस इसके अंदर किया है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आई हैं और ये कह रही है कि शेयर के अंदर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, ये तो हमेशा से ही दिख रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको कल दिखी, कल कुणाल सारोगी ने भी इसको नोटिस किया, वो था 550 के वापस इस रेंज के ऊपर आना, ना केवल ऊपर आना बल्कि इसके ऊपर की क्लोजिंग आना। तो आज ये शेयर एक पुल बैक दिखा सकते हैं, एक सबसे स्ट्रांग पुल बैक का कैंडिडेट है, इसलिए हमने सुपर हिट की कैटेगरी में डाला है। 565 इस रेंज का अपर रेंज है, यानी कि 50 से लेकर 65 वाली रेंज इसकी पुल बैक की रेंज है, उसके बाद जो होगा सो देखेंगे, लेकिन 565 तक ये जा सकता है। 550 का स्टॉप लॉस रखेगा, आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट भी कर सकते हैं 48-49, लेकिन वो किश्तों में कीजिए, कुछ एक शेयर 50 पे लगा दीजिए, कुछ एक 48 पे, कुछ एक 49 पे, इस तरह से। लेकिन अगर ये पुल बैक आया तो आज का सबसे तेज पुल बैक वाला शेयर हो जाएगा। जी एंटरटेनमेंट पर ध्यान रखें, 565 का टारगेट, 550 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए फटाफट से रीके आप देखते हैं अभी तक जो भी सौदे आपको बताए गए हैं खरीदार के, फटाफट से आपके सामने रख दूं। सबसे पहले है गेल, वडोदरा गैस में हिस्सा खरीद सकते हैं, गुजरात गैस वडोदरा गैस में 50% हिस्सा जो गेल होल्ड करता है उसको खरीदने की तैयारी है, और 200 से 250 करोड़ में ये डील हो सकती है। गेल 354 का टारगेट है, 345 का एक स्टॉप लॉस। जीएम ब्रूरीज के नतीजों का इंपैक्ट आज रेस्ट ऑफ द लिकर स्टॉक्स पर पड़ सकता है, जिसमें पायनियर डिस्टिलरीज, इसको अपने रडार पर रखें, 268 का टारगेट है, 250 का स्टॉप लॉस। इन्फो एज, यहां पर न्यूज फ्लो के आधार पर खरीदारी की जा सकती है, 1252 का टारगेट, 1222 का स्टॉप लॉस। और साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल जिन्होंने कंपनी खरीदी है, मेडिक्स लाइफ इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज, उसका एक इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा आज, 1070 के टारगेट के लिए खरीदा जाए स्टॉक को तो बेहतर रहेगा, 1040 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाल्टिक ब्रांड एक्स 6% उछला, साथ ही सरकार चाहती है कि कंपनी विदेश से जहाज खरीदे और डोमेस्टिक मार्केट पे वो लीज पे दे, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज 65 तक जा सकता है, 58.5 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी बनाइए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। फीनिक्स मिल्स खरीदा जा सकता है, 652 का टारगेट है। मर्केटर एक और शिपिंग स्टॉक जिसमें आज तेजी बन सकती है, 23 का टारगेट है, 20.9 का एक स्टॉप लॉस। दालमिया भारत और M&M दोनों ही डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े शेयर हैं, अच्छी खरीदारी कल के सत्र में होती हुई नजर आई, आज हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग बेहतर होती हुई नजर आए इन स्टॉक्स की। और डेल्टा कॉर्प पे जरूर नजर रखें आज के सत्र में, 237 से 240 का टारगेट, 227 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉसेस अगर तेजी आ जाए तो ट्रेल करते चलें। आज हमारी तरफ से पहले 10 शेयर उसमें स्पिक है, तो फिच ने इसकी रेटिंग में इंप्रूवमेंट किया, और दूसरा IOC के साथ इनका एक गैस को लेकर करार हुआ पिछले महीने में, और जो 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई है कर्नाटक में उसका बड़ा बेनिफिशियरी है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। मैंगलोर केमिकल पे भी ध्यान रखें, ज्वारी वापस से हिस्सेदारी खरीदने की खबर तेज हो रही है, इसमें विजय माल्या का 22% हिस्सेदारी है जो कि सीज है, अब ज्वारी ग्रुप खरीदना चाहता है इसको, ये हो सकता है एक बड़ा प्ले बन जाए इसके लिए, 64 रुपए का टारगेट है। बर्जर पेंट पे ध्यान रखें, रॉक पेंट के साथ इनका करार, नेपाल बांग्लादेश
स्वदेश भारत तीनों के लिए ज्वाइंट वेंचर के साथ कारोबार को बढ़ाएंगे। 300 का टारगेट, ग्रीव्स कॉटन को एमएसपी का बढ़ना, कर्ज माफी होना, इससे एग्री डिवीजन को तेज कर सकता। दूसरा, 50 बड़े शहरों में सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैस बेस्ड करना चाहती है, ये सीएनजी बेस्ड इंजन बनाते, इसका बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। 146 का टारगेट, बीपीसीएल पे ट्रंप के जो दबाव आ रहे हैं कच्चे तेल को लेकर, बार बार चाहे सऊदी अरब से प्रोडक्शन बढ़ाने या फिर ईरान को प्रेशराइज करने का, वो फायदा आज फिर से मिलेगा। 378 का टारगेट। आईटीसी पे भी आप ध्यान रखें, कल का मोमेंटम वाला शेयर है, आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी 340 का टारगेट दे रहे हैं। सीजी पावर भी कल आखिरी घंटे में चलने वाला शेयर, आज 64 रुपए का टारगेट है, ब्रेकआउट का बड़ा कैंडिडेट। सिप्ला के अंदर आज एलएनटी म्यूचुअल फंड के साथ इनकी एक बड़ी बैठक है और शेयर में 30% की कैश डिलीवरी, ये शेयर को पक्का करके आज चला सकती है 640। रेडिको खैदान, जीएम ब्रिव्यूज के नंबर, मुनाफा दोगुना हुआ और प्लस ये एएसएम से भी बाहर आ सकता है, इसका बड़ा बेनिफिट। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट लास्ट में तेजी से चलने वाला शेयर, आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट, 565 का टारगेट डिस्क्लोजर के साथ जी एंटरटेनमेंट है। तो 20 शेयर पूरे हुए, उम्मीद करते हैं आज के 20 शेयर फिर से आपको अच्छा मुनाफा दिखाएंगे और आज का शुक्रवार का दिन आपका और बेहतर होगा।